अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी वीडियो है ना, वो ऐसी चीज के बारे में जो आप बचपन से देख रहे हैं, वो है शादियां। आज का टॉपिक ये नहीं है कि किसने किसके साथ शादी करी, कौन किसके साथ भाग किया, या किसकी शादी में हुआ हंगामा। आज हम बात करेंगे अपनी रोकड़ शादियां भाई, ये देसी शादियां जो होती है ना, जो बचपन से हम देख रहे हैं और बचपन से जो अटेंड कर रहे हैं, इस पे होने वाले पंगों के बारे में। हाँ, वैसे तो हमारी शादियां बहुत अच्छी होती हैं, हम बहुत इंजॉय करते हैं अपनी शादियों में, अच्छी अच्छी बातें भी होती हैं भाई। लेकिन मैं यहाँ यूट्यूब का कारी साहब तो रही हूँ जो अच्छी बातें बताऊंगा। हम तो बात करेंगे भाई शादी में होने वाले पंगों के बारे में, कि कैसे स्टार्ट से एंड तक पंगे ही पंगे रहते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल शुरुआत से, जब हमारी शादी की उम्र हो जाती है। और शादी की उम्र पता है कब होती है? ये तो हमारी खानदान की ना आंटियों को ही पता है। जैसे ही लड़की 18 साल की हुई, शादी की उम्र हो गई। लड़का कमाने रख गया या उसकी जॉब रख गई, उसकी शादी की उम्र हो गई। अबे यही तो जिंदगी का मकसद है, शादी शादी खाना आबादी। ये ड्रीम्स, फ्यूचर, पैशन, अपना कारोबार बनाना, अपना मुस्तकबिल बनाना, अबे ये सब बकवास बातें हैं भाई। शादी ही सब कुछ है। शादी करो, बच्चे करो, फिर उनकी शादी की फिक्र करो, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर वो उनकी शादी की फिक्र करेंगे। यही तो है सब कुछ। लाइफ में एंजॉय करना चाहते हो तो शादी करवा दो, खुद ही लाइन पे आ जाओगे। और ये किस किस रोड की दीवार पे लिखा हुआ है कि शादी के बाद लोग सुधर जाते? कमादा नहीं है, शादी करवा दो सुधर जाएगा। बिकर गया, आवारा हो गया है, कोई बात नहीं, शादी करवा दो सुधर जाएगा। इसके नैन नक्शन ठीक नहीं, शादी करवाओ सुधर जाएगी। क्या बात है। अबे मैंने तो ऐसे लोगों को और खराब होते हुए देखा है। अबे उनके घर में उनकी शादी होती है, घर में प्रिंसिपल तो आता है जो उसको बिल्कुल सही कर देगा। नहीं कमाने वाले नहीं कमाते, जो बिखरे हुए होते हैं वो और खराब हो जाते हैं शादी के बाद, और इन जैसे ना इन जैसे ही रहते हैं। अगर इन सबको सुधारना है तो शादी से पहले सुधार दो ना भाई, ताकि जो आने वाला है वो भी खुश हो जाए कि क्या पप्पू पीस मिला है उसको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इसके बाद आते हैं रिश्ते। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि भाई उनकी औलाद की अच्छी जगह शादी हो, खानदान अच्छा हो, जिससे हो रही है वो अच्छा हो, नेक हो, वो अच्छा कमाता हो। और ये अच्छी बात है भाई अपनी औलाद के बारे में सोचना। मेरी भी दुआ है कि भाई सबकी अच्छी अच्छी जगह पे हो चाहे शादी। लेकिन इन सब के चक्कर में जन्म लेती हैं रिश्ते वाली आंटियां। पहले तो ये एक अच्छा कारोबार होता था, लेकिन आजकल ना भाई ये हर दो घर छोड़ के ना एक आंटी है रिश्ते वाली, और इनको ना हल्के में नहीं लेना, ये बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। सबसे पहले आती है नीचे लेवल वाली आंटियां, जो होती है एरिया की आंटी, जो इधर उधर शादियों में जाके ना फुल दारू बनी हुई होती है। अबे हम लड़के तो एवे बदनाम है लड़कियों को देखने के लिए। ये जो आंटियां देखती है ना कुंवारे रोंडा और रोंडियों को, अबे फुल बायो डेटा देके आती है उनका। इनके पास खुद से तो कोई होता नहीं है रिश्ता वाला, फिर जब कोई पकड़ा बस जाता है तो फिर ये अपने से ऊपर वाली को ना कॉल करती है कि बॉस पकड़ा बस गया है, पिक्चर मुझे बेच दो, और इस तरह ही थोड़े से पैसे निकलवा देती है लोगों से। और उनसे जो ऊपर वाली होती है ना, उनके पास ऐसी आंटियों की ना बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, इन्होंने ना मार्केट में बनाई भी होती हैं। जब इनका कुछ होता है तो ये अपने पास से ना उनको पिक्चर दे देती है कि भाई इनको ना यहीं सेटिंग करवा दो। और फिर इनसे भी बड़ी होती है भाई सिंगा मानती, जिनका ये ऑफिस होता है, जिनके पास असली में लोग आते हैं। भाई मेरे को तो ये 3 ड्राइवर ही पता है, अब ये 4 5 6 7 कितने हो गए होंगे भाई मुझे मालूम नहीं है, मैं कौन से इस बिजनेस में हूँ। ये कोई वीडियो अगर रिश्ते वाली आंटी देख रही है ना, तो भाई माइंड नहीं करना आप लोग, लेकिन आप लोगों में थे ना कुछ ना बहुत मास्टरमाइंड होती है। ये जो आंटी होती है ना, ये ऐसा सीन बनाती है कि किसी लड़की को ना कोई फैमिली दिखाती है ना, तो वहां रुकती नहीं है, ये एक दिखा के आई है ना फौरन कहेगी मेरे पास इससे भी अच्छी एक और लड़की है, दिखाऊं क्या? अब सामने वाले भी कहते हैं भाई दिखा दो अच्छी है, तो ऐसे गलते गलते ना ये बहुत दिखा देती है और फुल पैसा कमाती है, और बंदे को भी कंफ्यूज कर देती है कि भाई उसको किससे करनी है। लेकिन इस चक्कर में ना लड़कियों के साथ बहुत खराब होता है यार। अबे शोरूम में रखा हुआ फ्रिज तो रही है जो हर कोई आके चेक करेगा काम करता है या नहीं। और कुछ तो खानदान में ही होती है भाई रिश्ते करवाने वाली है, अगर उन्होंने गलती से आपका कभी रिश्ता करवा दिया ना, पूरी जिंदगी यही कहती रहेंगी कि मैंने इसका रिश्ता करवाया था, अब देखो मुझे पूछती भी नहीं है। ये देखो ये जो इतनी अच्छी रह रही है ना, इसका मैंने रिश्ता करवाया था, और जब ये गलत रिश्ते करवा दी थी ना, उनका नहीं कहती ये कभी भी कि हमने करवाया है। अबे अपने ऊपर कौन बल्ली देगा ये। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे प्यारे माँ बाप, इनके भी पंगे होते हैं भाई। इनके पंगे सिर्फ ये है कि अगर माँ बाप में से किसी ने ना अपने बहन भाइयों में से शादी करवा दी ना, तो दूसरे वाले को मसला हो जाता है, ये बड़े वाले की तुमने अपने खानदान में करवाई है ना, अब छोटे वाले की तो भाई मैं ही करवाऊंगा अपने खानदान में। और रिश्ता पक्का करना भी कोई इजी बात नहीं है भाई, जॉब के लिए सीवी बनाना आसान है शादी की सीवी बनाने से। ताना बनाना आता है, कितना बड़ी हुई हो, कितनी हाइट है, रंगत कैसी है, टिकटॉक बना देती हो, मुंबई में ताना, बस जिंदगी भर तुमको करना है हाँ ना। और रोंडो के लिए भी काम आसान नहीं है भाई, जॉब कैसे करते हो, दोस्त तुम्हारे कैसे हैं, कितना कमा रहे हो, अपने घर में कैसे रहते हो, अपनी कन्वेंस है, कोई बुरी आदत तो नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, सेमी यार को सब्सक्राइब किया हुआ है ना, बेटी की उंगली में नाचोगे ना, बरा 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 बरा। और जब इन सब मुश्किल से निकल जाओ तो
तो फिर आते हैं रियर एग्जाम। ये जो अभी तक हुआ ना, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। अब रिश्ते के बाद होती है प्यारी प्यारी इंगेजमेंट, और बस इधर से रिश्तेदारों के मुंह बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर खानदान से बाहर कर रहे हो तो कोई ना कोई नाराज हो जाता है। हमने तो पहले से इस पर नजर रखी हुई थी, हमें बताया नहीं, बाहर कर रही भाई साहब आपने, खैरों में कर रही, हम नजर नहीं आए। वाह, हमें खबर भी नहीं करी, हमारे बगैर रिश्ते देख के आ गए, अब सिर्फ हमें मिठाई देने आए हो कि मंगनी होने वाली है। अबे बहुत पंगे होते हैं भाई, सच बता रहा हूँ। और मंगनी के दिन ना ये दो रिश्ते आपस में मिलते नहीं है, ये ना एक्सरे मशीन का ना लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है कि रोंडा और रोंडी कैसे हैं, आपस में कैसे मैच करते हैं। खुद चाहे हाथी और चिमटी वाली जोड़ी हो उनकी, लेकिन भाई आपके बारे में तबसरा जरूर करेंगे। और हाँ, इधर होता है भाई दो खानदान का मिलाप, जहाँ पे देखा जाता है कि सामने वाली पार्टी में भी कोई अच्छा पीस है या नहीं है, या वापस अपने खानदान की तरफ ही लौट आए। वैसे एक आपस की बात बताऊं, अगर शादी के लिए फुल तैयार हो ना और एक साल के अंदर सब तैयारी कर लोगे, तो जब ही करना है इंगेजमेंट। जैसे ही इंगेजमेंट होगी ना, दोनों खानदान में से ना एक को ना बहुत जल्दी लगी हुई होती है कि 24 घंटे हो गए एंगेजमेंट को, अभी तक शादी नहीं हुई, दुनिया वाले क्या बोलेंगे। चलो अब मंगनी हो गई, मंगनी के बाद शुरू होता है शादी का सीजन, और इसका स्टार्ट होता है मेहंदी से। मेहंदी बोले तो ये शादी का फेवरेट पार्टी होती है, फुल खानदान के साथ बैचलर पार्टी समझो। इसमें कर लो जितनी मस्ती करनी है भाई, शादी से ज्यादा ना इस पे ज्यादा सेटिंग होती है, क्योंकि इस पे ज्यादा लोग चिल्ली मारने आए हुए होते हैं। कुछ खानदान के बच्चे ना अपने डांस का ना टैलेंट दिखा रहे होते हैं। वैसे शादी में किस किस तरह के डांस होते हैं ये मैं अपनी वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो के बाद ना वो भी जाके देख लेना सब। अब तो वो दौड़ वाला काम नहीं होता, वरना तो पहले भाई दौड़ लेके बैठ जाती थी दोनों तरफ की औरतें, और टुन टपकता कानों की रेल मारती थी। दूल्हे का सारा मोटा बेचारा, दुल्हन की नन की उल्टी करो बंद। और इन्हीं नमूना बंदी की वजह से ना कभी कभी ना सीरियस लड़ाई भी हो जाती थी कि इसने ऐसा बोला हमें, इसने ऐसा बोला, शुगर है इसको खत्म कर दिया। और वैसे भी आजकल लड़कियां ना ये सब नहीं करती, ई वेरी ओल्ड फैशन, हम नहीं करेंगे। और इसके बाद ना भाई ऊट पटांग की रस्में भी शुरू हो जाती है, जिनका भाई दुनिया से कुछ वास्ता नहीं है। ये पैसे कमाने की ना एक सरिया है, ये उंगली पकड़ने की रस्म, शादी में रास्ता रुकाई की रस्म, ये पैसे कमाने के सब धंधे हैं, गंदे हैं पर धंधा है ये। जो मेहंदी में आ जाती है सारियां उंगली पकड़ने के लिए, और बेचारा दूरा ऐसे शर्मा के पैदा हुआ होता है कि मत पूछो। और उंगली के लिए जैसी सारी डिमांड करती है ना, उसके होश उड़ जाते हैं भाई, दिल चाहते हैं उंगली काट के ले जा मेरी, इतने पैसे कहाँ से ला के दूंगा। इतनी डिमांड अप्पू से करो ना, अप्पू भी वही टांटते हैं कि बेटा सुधर जाओ, क्या हो गया। लेकिन ये तो शादी है, इसमें तो ये सब चलता है। और इन सब के बाद आती है शादी। ओए तुम लोग ये तो नहीं समझ रहे मैं कितना पक्का इंसान हूँ, मुझे सब पता है। मेरे दोस्तों, मैं बचपन से इन शादियों में जा रहा हूँ, पता नहीं कितनी 100 शादियां अटेंड कर चुका हूँ। और ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, ये सब आपके साथ भी हो चुका होगा, कहीं ना कहीं किसी के साथ हुआ है, तो मैं भी बस वही शेयर कर रहा हूँ यार। अब कुछ ना कुछ तो कंटेंट चाहिए ना भाई। और जब शादी की उम्र हो गई है, रिश्ते के शतरंज से आप निकल चुके हो, एंगेजमेंट का सीन वक्त भी गुजार लिया है, मेहंदी में एंजॉय भी कर लिया है, तो बेटा आप कर लो शादी। ये लॉकडाउन का जो जमाना था ना बहुत ही खराब था, मगर इसमें एक चीज बहुत अच्छी हुई थी, वो थी ये सादगी से शादी होना। ऐसे कितने सारे घर हैं जहाँ पे शादी हुई है और ये फालतू के खर्चों से बचे। सच में हम लोगों को ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन हम क्या कद्दू सुतरे? अब जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ वापस शुरू हो गए टिंटर रक्तंग टिंटर रक्तंग टिंटर रक्तंग। अब शादी घर में हो या हाईफाई हो या समंदर के अंदर हो या आसमान के ऊपर हो, एक चीज सब में कॉमन है, वो है रोगों के मुंह बनना। अबे हर चीज पे मुंह बनाते हैं भाई, ये कार्ड के इनविटेशन के ऊपर पंगे इनको। खुद सोचो भाई, अजीब अजीब छोटी छोटी बातें होती हैं ये, जिसकी वजह से शादी तक नहीं आते कि पहले मुझे कार्ड क्यों नहीं दिया, वाह बेटे को बेच दिया, खुद नहीं आया कार्ड देने, हमारी तो कोई इज्जत नहीं है। अबे इज्जत नहीं होती तो कार्ड बेचते ही क्यों। और भी पंगे होते हैं भाई कार्ड में, कि मेरे बच्चे के ससुराल में पुप्पो का दोस्त का बच्चे का नाना का दादा का काका का काका, उसको तुमने कार्ड नहीं दिया, कितनी गलत बात है ये। और इधर ही नहीं रुकते भाई, शादी में बहुत ड्रामे है। अब इतने टीवी के ड्रामे देखोगे तो कहीं ना कहीं निकालोगे ना वो सब चीजें। किस्मत वाले हैं वो लोग जिनकी पुप्पियां शरीफ होती हैं, वरना पुप्पियां बदनाम क्यों है, शादियों के दिनों में पता चल जाता है। अबे दूल्हा दुल्हन की कारियों में बैठ के जाना होता है इनको, ऐने के परम दिखाने सामने वाली पार्टी को कि देखो मेरी वैरियो क्या है। होती है आपकी वैल्यू यार, बहुत अहमियत होती है आपकी, हम सब इज्जत करते हैं। और ये सिर्फ पुप्पियों के काम नहीं है, ये खानदान के ना कोई भी चश्मो चराग ये वाली हरकत कर लेता है भाई। या अल्लाह, इस वीडियो के बाद मुझे अपने खानदान वालों से बचाना। और अब आते हैं ये यासिर और नौशीन शाह वाली बात पे, मतलब शादियों में मुफ्तों की बात पे। ये भी दो तरह के होते हैं भाई, एक तो वो जो एरिया में पप्पू चुम्मी बन के घूम रहे होते हैं और किसी की भी शादी में घुस जाते हैं, जहाँ चांस मिलता है वहीं खाने पीने लग जाते हैं। ये बहुत रिस्की काम है,
लेकिन ये बहुत शातिर होते हैं भाई इस काम में। पूरी की पूरी फैमिलियां पहुंच जाती हैं और फिर उसके बाद दूसरी तरह के मुफ्ते आते हैं जिनको कार्ड देते हैं 3-4 लोगों के लिए, लेकिन वो भाई उसमें सबको लेके आ जाते हैं। हैरा बेटा समीना, फराने के यहाँ शादी हो रही है, तू चलेगी क्या? लेकिन अम्मी उसने मुझे कार्ड तो नहीं दिया। अबे तो क्या हुआ, हमारे साथ चल लेना, हम कह देंगे तू रुकने आई थी, कौन रोकेगा तुझे? ऐसे लोगों का क्या ही कहना। अबे जिनके घर में शादी हो रही होती है ना उनके बारे में तो सोच लिया करो, पता नहीं वो किस तरह से शादी की सब चीजें कर रहे हैं मुकम्मल। क्या मजबूरी हो उसकी, दिल का पूजा करो, उसको कितनी टेंशन होती है कि सबको खाना मिल जाए, खाना कम ना रहे। और ये लोग आ जाते हैं टेंशन सादा करने के लिए, और ऐसे लोगों के पास मस्त जवाब भी होता है कि एक तो मेहमान सादा होने से क्या होगा। अबे बेटा जी आपके जैसे भाई 100 फैमिलियों ने ये किया ना तो सामने वाले का तो हो गया ना कचरा। और इसके बावजूद लोगों को खाने पीने में भी नखरे होते हैं। अबे दोपहर को घर में टिंडे खा के आए होंगे लेकिन यहाँ 3 दफा बिरयानी खाने के बाद भी बोलेंगे बिरयानी में वैसा मजा नहीं था। मुझे बचपन में सबसे ज्यादा चिढ़ उन लोगों से थी भाई जो अपनी सीट पे बैठे रहते थे और हम बच्चों से खाना मंगवाते थे। मैं शरीफ लोगों, बुजुर्ग लोगों की, जहीफ लोगों की और ऐसे लोगों को जो जा नहीं सकते, हमारे से बड़े लोगों की, उनकी बात नहीं कर रहा। मैं ऐसे चटे हुए लोगों की बात कर रहा हूँ जो उठ के जा सकते थे खुद खाना लेने के लिए, लेकिन हम मासूम बच्चों को देख के ना वो अपनी जगह बैठ जाते थे सुस्ती में। चराग रोम रिया। और ये शॉपर वाला सीन भी होता है भाई, ये सच है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है भाई। और फिर शादी की फैमिली पिक्चर में भी होते पंगे भाई, कि भाभी को देखो अपनी भाइयों की फैमिली की पिक्चर खिंचवाती, हमें तो पूछा ही नहीं। ये बहनोई को देखो उनकी तरफ जा रहे हैं, हमें तो पूछ ही नहीं रहा कोई। अबे यहाँ तक कि वीआईपी टेबल में लड़ाई हो जाती है भाई, जी पंगे भाई खानदान के, मतलब कोई ना कोई इनको टॉपिक चाहिए। बस इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, शादी के खाने की बात चली तो मुझे भूख रख गई है, अब जाके देखता हूँ भाई फ्रिज में इस वक्त क्या है, क्योंकि अब रात के 4 बज रहे हैं तो शायद अब खुद गर्म करके ही खाना पड़ेगा। और जहाँ तक पंगू की बात है तो ये कुछ भी नहीं है भाई, इससे भी सादा सादा होते हैं। अब मैं पूरे पंगे बताने बैठा ना तो भाई पूरी किताब लिख लूंगा मैं। और आपकी नज़र में भी कोई पंगे हैं जो मैंने नहीं बताए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक किसी ना किसी खानदान वाले की शादी को एंजॉय करो। अल्लाह हाफिज़।